गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन द क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 और इसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कर लिया था। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। ये हमारे पास रेडियन एंगल दिया हुआ है और इस रेडियन को हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। एज यू नो दैट सॉल्यूशन, जैसे कि आप जानते हो कि रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 अपॉन क्या करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिग्री में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सिंस 11 अपॉन 16 पाई, ये जो आपका जो रेडियन एंगल आ रहा है, रेडियन को हम कहीं में कन्वर्ट करने जा रहे हैं डिग्री में, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना पाई, और ये हो जाएगा आपका टोटल। तो इसको अपन यहां से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से 8 टाइम कैंसिल होगा, 2 से 90 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स और 2 से हो जाएगा 45 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 11 बाय कितना 4 मल्टीप्लाई 45 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। याद रखिएगा अगर कभी भी किसी भी नंबर के अपॉन में अगर एक रेशनल नंबर होता है तो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी से वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होगा और ऊपर वाले के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 20। So it is 11 divided by 2, ये हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टोटल 45 इंटू 7 अपॉन में 4 टू जाए कितना हो जाएगा 8। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको यहाँ पे पता चल जाएगा 7 5 जा 35, इसके हो जाएगा कैरी 3, 7 4 जा 28 और 28 और 3 31 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 8। अब ये जो है ये पूरा हमको किसमें कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि डिग्री को भी हम डिग्री का भी सब्स्टिट्यूट हम आगे निकाल सकते हैं, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं डिग्री को हम हाउ मेनी कंप्लीट डिग्री इन 315 अपॉन 8, 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा कितना आ जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 होता है, ये बच जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 9 का कितना हो गया 72 हो जाएगा, बच जाएगा कितना आपका 3। तो लिखेंगे कैसे, हाउ मेनी जितना कोशेंट है उतनी कंप्लीट डिग्री है, तो कितना हो गया 39 होल। लिखने का तरीका आपको याद रखना चाहिए, कोशेंट प्लस कोशेंट प्लस ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर अपॉन क्या हो जाएगा डिवीजर, या कोशेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवीजर आ जाएगा। 39 डिग्री तो कंप्लीट हो गई, अब उसके बाद में रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, यहाँ पे 3 अपॉन 8 और ये अलग से डिग्री, यानी कि टोटल मिलाएंगे तो 39 होल 3 बाय 8 डिग्री आ जाएगा। ये पीछे वाले टर्म 39 डिग्री कंप्लीट हो गई, प्लस रेशनल नंबर में जो है इसको डिग्री को 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 3 अपॉन 8 इंटू कितना हो जाएगा 60 मिनट, तो 2 से 2 4 जा 2 से कितनी बार हो जाएगा 30 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना 30 मिनट और अपॉन में हो जाएगा 4, फिर 2 से कैंसिल कितना आ जाएगा 15, तो 39 डिग्री प्लस 15 3 जा कितना हो गया 45 अपॉन 2 और कितना हो गया मिनट हो गया, ठीक है। फिर सिंस हम जानते हैं यहाँ पर कि 1 मिनट के अंदर कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है, 39 डिग्री प्लस ये आ जाएगा 45 मिनट, 45 डिवाइड बाय 2 इंटू, अच्छा 45 के अंदर हम मिनट देख लेते हैं कि कितने कंप्लीट मिनट हो रहे हैं, तो टोटल डिवाइड जाएगा 22, यहाँ हम 45 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 5, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, बचेगा कितना 1, कितने कंप्लीट मिनट हो गए 22, बचा कितना 1 अपॉन कितना बचेगा 2 और ये अलग से क्या बच जाएगा आपका मिनट, चाहे आप इसको प्लस भी कर सकते हो, 39 डिग्री प्लस आ जाएगा 22 मिनट प्लस 1 अपॉन 2, मिनट को सेकंड में चेंज कर सकते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 30 जा कितना हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस कितना आ जाएगा 30 और कितना सेकंड आ जाएगा, इसको लिख कैसे सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट और हो जाएगा आपका 30 सेकंड, ये आंसर। तो ये आंसर जो है ये किसका था, हमने 11 अपॉन 16 को किसमें चेंज किया है, ये क्वेश्चन है। 11 अपॉन 16 एक रेडियन एंगल था और रेडियन को हमने किसमें चेंज किया है, डिग्री में चेंज किया है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ समझा है। अभी इसके बाद हमको समझना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या आया देखिए, -4। अब -4 एक रेडियन एंगल है और इस -4 को हमें क्या करना है, हमें इसको डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको याद है कि हम क्या जानते हैं कि रेडियन एंगल जो भी होता है
उसको 180 अपॉन किससे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और काइन कन्वर्ट हो जाता है, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -4। अब माइनस साइन को हम अभी क्या एलिमिनेट करके चल रहे हैं, सिंस हम लिख रहे हैं 4 = ये रेडियन है, तो 4 रेडियन = डिग्री में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 180 डिवाइड बाय कितना 22 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, और ये हो जाएगा आपका डिग्री, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, 4 × 180 अपॉन कितना हो गया 22/7, 4 × 180 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 22/7 हो जाएगा 22, ये 2 times हो जाएगा, ये 11 times हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 180, तो 18 × 2 जा कितना हो गया 36, 360 × 7 डिवाइडेड बाय कितना 11, तो ये आपका नंबर जो है ये हो गया 0, 7 6 जा कितना हो गया 42 और कितना हो गया कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 11। अब आपको ये जो है ये निकला है हमारा डिग्री में, इसको गाय में कन्वर्ट करना, पहले आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इसलिए करिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कंप्लीट डिग्री इसके अंदर कितनी आ रही है, 2520 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 × 2 जा ये हो गया 22, कितना बच गया ऐसे 3, ये हो जाएगा 32, 11 × 2 जा 22 क्योंकि 3 टाइम में 33 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, यहां से बचेगा कितना 1, ठीक है, ऊपर से एक और हमारे पास बच रहा है 11 और 9 जा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, एक बार और डिवाइड देख लीजिए, 11 × 2 जा 22, 3 बच रहा है, ऊपर से आ जाएगा हमारे पास 2, फिर डिवाइड करेंगे तो 11 × 2 जा 22 हो रहा है क्योंकि 11 3 से 33 ज्यादा हो जाएगा, यहां से बचेगा कितना 1, 10 बच जाएगा, ऊपर से उतरेगी 0 और ये हो जाएगा 11 9 जा कितना 99, कंप्लीट डिग्री जो कोशेंट में होगा आंसर वो कंप्लीट है, 229 डिग्री कंप्लीट है, प्लस उसके साथ में 1 अपॉन कितना 11 और ये आ जाएगा, रिमाइंडर अपॉन कितना हो जाएगा रिमाइंडर अपॉन में डिविजन। अब उसके बाद देखिए 229 डिग्री प्लस ये पीछे वाला जो रीजनल पार्ट है इसको अपन ने कहीं भी चेंज कर लिया मिनट में, तो आप जानते हो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 229 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 60/11 और मिनट में 60 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, 11 5 जाए कितना हो गया 55, बचेगा कितना आपका यहाँ से 5 बच जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 229 डिग्री प्लस हाउ मेनी मिनट कंप्लीट 5 मिनट ईयर प्लस रिमेनिंग इज 5/11 कितना 11 और ये आ जाएगा मिनट, इस मिनट को भी हम टाइम चेंज कर देते हैं, इस मिनट को भी हम चेंज कर देते हैं सेकंड में, सिंस हम जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, 5/11 का किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए 60, 229 डिग्री प्लस हो जाएगा 5 मिनट प्लस 65 था कितना 300 और ये हो जाएगा सेकंड डिवाइडेड बाय कितना 11, तो आप इसको कंप्लीट डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 300 और अपॉन में 11 2 जा 22 ये हो जाएगा आपका 8 और 11 7 जा कितना हो गया 77 बचेगा 3, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और डिवाइड करने पर जो आंसर आया है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 27 है तो इसको आप 27 और आगे भी डिवाइड हो सकता है, तो 27 के नियरेस्ट अपन इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका कितना प्लस 27 और कितना आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और कितना आ जाएगा 5 मिनट और 27 सेकंड और ये आ जाएगा आपका अप्रोक्स, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। अब आपको इसी तरीके से बाकी के जो क्वेश्चन है रिमेनिंग क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, एक व्हील जो है वो क्या करता है 360 रिवॉल्यूशन करता है, वो भी किसके अंदर 1 मिनट के अंदर, सिंस हम जानते हैं इन वन मिनट टोटल रिवॉल्यूशन इज कितना आ जाएगा 360 रिवॉल्यूशन, 1 मिनट के अंदर जो होता है वो कितने रिवॉल्यूशन होता है 360 रिवॉल्यूशन होता है, इन 1 मिनट हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इज हियर 360 रिवॉल्यूशन, और 1 मिनट के अंदर हम जानते हैं कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है, तो लिखेंगे देयरफॉर इन 60 सेकंड, 1 मिनट को हमने चेंज कर दिया, क्या लिख दिया इन 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन है 360 रिवॉल्यूशन है, समझना है यहाँ पे, अगर 60 सेकंड के अंदर 360 रिवॉल्यूशन करता है इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में क्या हो जाएगा 360 में हम डिवाइड कर देंगे 60 का 6 6 कितना हो जाएगा 36,
तो ये हो जाएगा 6 आ जाएगा। इन 1 सेकंड हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज व्हील डन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 रिवोल्यूशन आ जाएगा। और ये 6 रिवोल्यूशन ये बताएगा, सिंस हम जानते हैं कि एक रिवोल्यूशन जो होता है, एक रिवोल्यूशन में जो एंगल बनता है वो टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। आप जानते हो अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले तो उसमें 360 कंप्लीट होता है। तो लिखेंगे एंगल, एंगल मेड बाय व्हील, व्हील इन हाउ मेनी रिवोल्यूशन, इन 6 रिवोल्यूशन विल बी इज इक्वल टू 360 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम यहाँ बात करते हैं कि इसको हमें चाहिए डज इट टर्न इन 1 सेकंड और रेडियन एंगल चाहिए। तो रेडियन एंगल के लिए ये जो है ये आपका डिग्री एंगल निकलेगा, है ना, क्योंकि 360 सब्ट्रैक्ट करता है वो। तो रेडियन के लिए 360 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय बाय कितना हो जाएगा 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 80 इंटू जाए कितना 36, सो इट विल बी 6 टू जाए कितना आ जाएगा 12 पाई। और ये रेडियन एंगल आ जाएगा कि ये कितना एंगल सब्ट्रैक्ट करेगा, 12 पाई एंगल क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में कहा है कि डिग्री मेजर फाइंड करना है उसका, उस सर्कल जहां पर सेंटर जो है उसकी, सर्कल के रेडियस जो है वो कितनी 100 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि हमारे पास अगर ये सर्कल है तो हम बात कर सकते हैं कि इसकी रेडियस मान लीजिए ये सेंटर हो गया, ये रेडियस OA हो गई और साथ में यहां पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 22 सेंटीमीटर दे रखी है। और साथ ही में उसने कहा है कि जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पर वो आर्क के थ्रू, इसका हमें क्या निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है। सिंस बाय नो, सिंस वी नो दैट एक फॉर्मूला हमारे पास चलता है, मैंने आपको रिलेशन बताया था, दैट इज बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क थीटा एंगल एंड द रेडियस, L is equal to theta into R. We know that length of arc is equal to होता है angle into कितना होता है radius. ठीक है? अब आपको क्या-क्या दिया हुआ है? ये ध्यान दीजिए. Length of arc आपको कितनी दे रखी है? 22. Angle कितना? जो कि हमें find करना है. Into radius कितनी दे रखी है? 100. That is 22 by कितना हो जाएगा? 100. That is equal to theta. ये हो जाएगा 11 times और ये 50 times. That is 11 upon 50. ये theta equal to हो जाएगा 11 upon 50 और ये हो जाएगा रेडियन, दैट इज एंगल। अब लेकिन हमें एंगल की डिग्री मेजर निकालनी है, तो 50 मल्टीप्लाई डिग्री के लिए 180 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे पाई करेंगे और ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री एंगल कन्वर्ट हो जाएगा। 11 अपॉन 50 दैट इज वेरी सिंपल, 180 अपॉन में 22 अपॉन में 7 ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको याद है कि रेशनल अपॉन में किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है और उसी के ऊपर वाले सब मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 180 इंटू 7 अपॉन कितना हो गया 22, ये हो जाएगा 2 जा 10 से 10 हमने कैंसिल कर दी 9 और 2 9 जा कितना हो जाएगा 80, 9 इंटू 7 अपॉन कितना हो गया बेटा 5, 9 7 जा 63 अपॉन कितना हो गया 5 और टोटल आ गया ये डिग्री। इसको आप क्या करो डिवाइड कर दीजिए, डिग्री को और अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, 63 डिवाइडेड बाय 5, 5 बन जा हो जाएगा 5, यहां बचेगा 1, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, बच जाएगा 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 12 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा रिमाइंडर अपॉन डिविजर 3 अपॉन 5 फॉर डिग्री, तो 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5 को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 और 5 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 12 डिग्री प्लस 12 3 जाएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 36 यही आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, ये इसका क्या हो जाएगा एंगल जो है वो रेडियन का सबटेंड होगा सेंटर पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।